चलिए तो आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही स्पेशल सब्जी। आप वीडियो को लास्ट तक के देखते जाइए, ये एक सरप्राइज सब्जी है। आप ये मत सोचिए कि हम आलूओं की सब्जी बना रहे हैं। ये स्पेशल सब्जी बनाने के लिए हमने आलू को बॉईल करके रखा है और अब हम इसके छिलके को निकाल के इसको तैयार कर लेंगे। वीडियो को अंत तक के देखते जाइए। इस तरह की सब्जी की रेसिपी आपने पहले नहीं देखी होगी। अब इसे बनाने के लिए हमने कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल लिया है और इसमें हमने डाला है राई, जीरा और साथ में हम डाल रहे हैं इसमें सौंफ। थोड़ा ब्राउन होने के बाद में अब हम इसमें डालेंगे कटे हुए प्याज और साथ में हम डालेंगे इसमें हरी मिर्ची। उसको ब्राउन होने देंगे जब तक जो हमने आलू छील कर रखे हैं बॉईल किए हुए, उसमें हम डाल रहे हैं हल्दी पाउडर और नमक। और अब हम इसको चाकू से कट कर लेंगे और उसके बाद हाथ से इसको हम मैश कर लेंगे, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब ये तैयार किए हुए आलूओं को हम कढ़ाई में डाल देंगे जहाँ हमारे प्याज भी जो है ब्राउन हो चुके हैं, और आलू को उसमें मिला के अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। अब हम इन आलूओं को प्लेट में निकाल लेंगे और ऊपर से इसमें धनिया पत्ती डालेंगे, लेकिन अभी हमारी स्पेशल सब्जी तो जो है वो तैयार नहीं हुई है। चलिए अब हमने यहाँ लिए हरे वाले थोड़े बड़े साइज़ के बैंगन, चाकू की सहायता से उसके अंदर के बीजों को हम निकालते जाएंगे और अंदर से इसको एम्प्टी कर लेंगे, खाली कर लेंगे। थोड़े बड़े साइज़ के बैंगन हमने इसलिए लिए हैं क्योंकि हम इसमें जो आलू की सब्ज़ी हमने तैयार की है उसकी हम स्टफिंग करेंगे इसके अंदर। अब ये बैंगन हमारे तैयार हो गए हैं और आलू की सब्ज़ी भी बन गई है, तो इसके अंदर जो खाली जगह है उसके अंदर हम आलू से इसकी स्टफिंग करते जाएंगे। आपने भरवा बैंगन तो बनाए होंगे जिसमें हम मसाले से अंदर स्टफिंग करते हैं, लेकिन आलूओं से स्टफिंग वाली रेसिपी आपने नहीं देखी होगी। आमतौर पर शिमला मिर्ची की स्टफिंग आलूओं से करके सब्जी बनाई जाती है, हम यहाँ पर बैंगन की स्टफिंग कर रहे हैं आलू के साथ में। चलिए अब हमने ऑयल गरम किया है और ये स्टफिंग किए हुए जो बैंगन है इसको हम गरम ऑयल में डालेंगे और इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा नमक, जिससे क्या होगा कि ये जल्दी पक जाएंगे। और इसको हम ढक कर 10 मिनट के लिए रख देंगे और गैस को सिम करके पकाएंगे। बीच में हम ओपन करके देखते जाएंगे। अब इस सब्ज़ी को थोड़ा सा और स्पाइसी बनाने के लिए हमने इसमें डाला है मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर और हल्दी। इसमें हम पानी डाल लेंगे और इस मसाले को मिक्स करेंगे और जो हमारे बैंगन पक रहे हैं उसमें हम मिला देंगे। इस मसाले में हमने पानी इसलिए डाला है क्योंकि डायरेक्ट यदि हम सूखे मसाले ऑयल में डालते हैं तो ये जल जाते हैं, और पानी के साथ में हम मिक्स करके डालते हैं तो ये जलते नहीं है, अच्छी तरह से पक जाते हैं। चलिए ये हमारे बैंगन जो है तैयार हो चुके हैं। हमने एक बॉईल में आलू लिए हुए हैं और इन बैंगन को हम उसके अंदर सर्व करने के लिए रखेंगे। सभी बैंगन को हम बॉईल में निकाल लेंगे इस तरह से। आपको यदि हमारी ये यूनिक रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, और आप यदि चैनल के ऊपर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब ये सर्व करने के लिए तैयार है। आप इसे राइस के साथ में खा सकते हैं या फिर आप चपाती या रोटी के साथ में इंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही स्पेशल सब्जी बनी है जो कि देखने में भी बहुत ही स्पेशल दिखाई दे रही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।